का सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश असंगठित कामगार संगठन उपाध्यक्ष परवेज खान उर्फ पीके ने कोरोना से बचाव हेतु दिए गए निर्देशों का पालन गंभीरता से करने की अपील शहरवासियों से की और कहा है कि सबसे पहले तो मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि भिवंडी शहर के अंदर जो है बड़ा मामला जो है कुछ ही अभी आया पॉजिटिव, उसको हमको और ज़्यादा लॉकडाउन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, अगर ज़रूरत न है तो घर से बाहर न निकलें। और यहाँ की जो पुलिस और मनपा ये लोग बड़ी अच्छे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी, मीडिया वाले सब लोग मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों। मीडिया वाले तो पूरे शहर की खबर को सामने पेश करके दिखा रहे हैं, आप लोग घर में बैठे भी देख सकते हैं। बेहतर यही है कि मार्केट बाज़ार कहीं भी बिल्कुल न निकलें, घरों में रह कर जितना हम लॉकडाउन सख्ती से घर में रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग इससे बचेंगे कोरोना वायरस से। और हमको चाहिए कि घरों में रहकर कुछ बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दें, बच्चे जो हैं कुछ अच्छी तालीम हासिल करके आगे फ्यूचर में उस तालीम से फ़ायदा उठाएं। हम लोग को ये सब चीज़ें करना चाहिए, न कि बाहर बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे जो ऐसे रहते हैं कि ले बाइक दौड़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसा ना जाए, बिल्कुल नहीं। एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और अगर एहतियात बरतेंगे तो इसको हम लोग रोक सकेंगे। मैं आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग घरों में रहें और आसपास पड़ोस के लोगों का भी ख्याल करें। अगर कोई तकलीफ से उनको भी मतलब आप लोग को अगर जिसको अगर तो कमज़ोर आदमी अगर कुछ तकलीफ से उसकी तकलीफ को हल करें। और ये भी मैं बोलूँगा कि अगर आस पड़ोस के लोग भी अगर निकल लें तो उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को रोकना चाहिए और उनको समझाना चाहिए घरों से बाहर न निकला जाए। अगर हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ही कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। ये आप लोगों से अपील करता हूं और जय हिंद। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ।